भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको आपके घर में ही मौजूद कुछ ऐसी निशानियां बताने वाले हैं जिनके कारण आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि गरीबी आपका द्वार छोड़ दे और आपके घर में कभी भी ना आए, तो ऐसी गलतियां जो आप जाने अनजाने में करते हैं, जिनके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे, आप आज ही छोड़ दीजिए। यकीन मानिए, गरीबी आपके घर में तो क्या आस पास भी नहीं पटकेगी। तो दोस्तों इन गलतियों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कौन है जो माता लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको गरीब बना रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान ले कि अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी कीजिए। आप अपने मेहमानों पर कभी भी गुस्सा मत होइए, क्योंकि दोस्तों मेहमान भगवान का रूप होते हैं। इसलिए आप अपने मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कमी मत आने दीजिए। अगर आप मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं करते हैं तो माता रानी आप पर नाराज होती है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको कभी भी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करना सबसे गंदी आदत है। आप कभी भी पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। ऐसा करने से आपके घर गरीबी आती है, क्योंकि दोस्तों पेड़ में भी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आप ऐसा करने की गलती कभी भी ना करें। अगली गलती जो जाने अनजाने में कभी आपसे भी हुई होगी वो है घर में टूटी हुई कंघी रखना। अगर आप टूटी हुई कंघी से बाल करते हैं तो ऐसा करना शास्त्रों के मुताबिक गलत माना जाता है। अगर आप टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में राहु और केतु का वास हो चुका है। दोस्तों, आपको अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के अंदर कभी भी गंदगी जमा ना होने दें। अगर आप अपने घर में गंदगी फैलाते हैं तो दोस्तों उस घर में माता रानी कभी भी नहीं आती। आप अपने घर में झाड़ू पोछा लगाकर साफ रखें। जितना हो सके अपने घर में खुशबूदार वातावरण बनाएं। साफ सुथरे घर में माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ये बात जरूर जान लें कि रोटी को कभी भी दांतों से नोच नोच कर नहीं खाना चाहिए। ऐसा करना रोटी का अपमान करना है, यानी कि भगवान का अपमान करने के बराबर है। दोस्तों, जो लोग रोटी का अपमान करते हैं वो लोग दो वक्त की रोटी के भी मोहताज हो जाते हैं। उन्हें कभी भी रोटी नसीब नहीं होती। इसलिए आप आराम से रोटी खाएं। रोटी को कभी भी जल्दबाजी में और नोच नोच करके नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगली गलती है दांतों से नाखूनों को काटना। ऐसा करने से आप गरीब बन सकते हैं, साथ ही साथ ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों नाखून के अंदर गंदगी होती है। अब अगर आप दांतों से नाखूनों को काटेंगे तो गंदगी आपके पेट में जाएगी और आप अस्वस्थ हो सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा करना गलत माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बहुत लेट तक सोते रहते हैं, यानी कि जिन्हें जल्दी उठने की आदत नहीं होती, ऐसे घर में भी माता रानी कभी नहीं आती। दोस्तों, आप जितना हो सके जल्दी उठने की आदत डालिए और आप अपने काम के रूटीन में जल्द लग जाइए, ताकि धन लक्ष्मी आपके घर में आ सके और आपके घर की गरीबी को दूर कर सके। दोस्तों, घर में कभी भी जूते और चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। अगर भूल से भी घर में जूते और चप्पल उल्टे हैं तो आप उन्हें तुरंत सीधा कर दीजिए, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक जूते और चप्पल उल्टा करके रखना घर के लिए अपशगुन के बराबर होते हैं। और आपके घर में अगर जूते और चप्पल उल्टे पड़े हैं तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके दोस्तों, आप अपनी आदत को सुधार लीजिए और आप अपने घर के जूते और चप्पल को कभी भी उल्टा ना रखें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत ना आए, तो यहाँ बताई गई इन आदतों को जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ये आदतें मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है और ये आदतें आपको गरीबी की ओर ले जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके इन आदतों को छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।